अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो शुरू वीडियो करने से पहले मैं आपको ये कॉल कुरियर का बताना चाहती हूँ कुछ कही जी। इन लोगों के पास क्या कहते हैं, इन लोगों के पास ये पार्सल आया था, इन्होंने मुझे हैंड ओवर नहीं किया। इन्होंने कहा जी क्या कहते हैं, जब तक आप कैश नहीं दोगे तब तक हम आपको पार्सल नहीं। मैंने कहा पैसे तो नहीं होता, अगला पार्सल ले देते हैं और फिर उसके बाद कैश लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी जो इन कंपनी से पैसे आप लोगों ने ऑर्डर किया वो लोग हमें कहते हैं जब तक आप लोगों को कैश हैंड ओवर ना हो तब तक आप पार्सल ना डिलीवर किया करो। जो कि इनका कोई जो फ्रॉड या स्कैम पेजेस होते हैं उन लोगों की ऐसी पॉलिसीज बनी हुई है, और कुछ कुरियर वाले उन लोगों की इस चीज़ को क्या कहते हैं वो मानते हैं और उस चीज़ को जो है ना उसकी वजह से फिर कई ऐसे जो है ना फ्रॉड्स वगैरह होते हैं लोगों के साथ। और आज मैं भी इस चीज़ का रिव्यू शेयर करने आई हूँ। आज जी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ लेमन टार्ट पे। लेमन टार्ट से मैंने क्या कहते हैं कि ये एक ब्लेजर जो होता है, जो कोट टाइप कपड़ा होता है, मैंने वो मतलब एक कोट जैसे बना होता है सर्दियों के लिए, उस तरह का मैंने ऑर्डर किया इनके से। तो इन्होंने मुझे आए दिखाते होंगे किस तरह का डिलीवर किया और उसमें से क्या मुझे सरप्राइज वगैरह मिले उनकी तरफ से आए जो थे। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया था, ये मैंने ओपन करके रख लिया था। मैंने आपको दिखाती हूँ कि जी इनके साथ इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड क्या किया है। ये इनकी पैकिंग है, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ अपना लेमन टार्ट का, इन्होंने मोटिव और पैकिंग के साथ इन्होंने किया हुआ है। ब्लैक कपड़ा है तो इसलिए आपको दिखने का, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये जी इन्होंने ये मैंने क्या कहते हैं ब्लेजर ऑर्डर किया था लेमन टार्ट से, तो इन्होंने मुझे ये इस कंडीशन में भेजा ये कोट था। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह का ऑर्डर किया था और मुझे किस तरह डिलीवर हुआ। ये देखें जी, ये मैंने क्या कहते हैं ऑर्डर किया था कोट, ये जो आप देख रहे हो ये मैंने ऑर्डर किया था ये स्टाइल, और मुझे डिलीवर कुछ इस तरह की हालत में हुआ था। ये इस तरह की कोई कंडीशन में मुझे डिलीवर अनप्रेस था और बहुत ही गंदे स्टफ़ है ये, बिल्कुल बेकार चीज़ है। और क्या कहते हैं ये बिल्कुल ब्लेजर टाइप कोई कोट नहीं है, ये इसका ना कोई रफ़ी सा कपड़ा है और ये इसकी बाजू अजीब सी है। ये देखें आप, ये इसकी बाजू का कपड़ा है और इसकी बाजू पे एक अच्छा सा इन्होंने जो मुझे क्या कहते हैं शॉकिंग सरप्राइज़ जो दिया है वो इन्होंने मुझे ये दिया है कि इसकी बाजू की हालत आपको दिखाती थी मैं। तो अगर आप लोग इनसे अगर कुछ चीज़ बाय करना चाहते हैं तो इनसे ना करें, क्योंकि मुझे मैंने इनसे बाय किया है और मुझे इस चीज़ का रिव्यू कुछ अच्छा नहीं मिला। ये देख लेंगे, ये इनकी बाजू का सरप्राइज़ देखें, ये देखें कि कितना बड़ा होल है। ये इन्होंने हमें डिलीवर किया, इन्होंने हमें डिलीवर किया, ये आपको ये दिख रहा होगा होल, ये कफ है जो बनते हैं और उसके बीच में ये होल, ये देखें ये होल, ये इन्होंने क्या कहते हैं इस तरह का डिलीवर किया है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी इस पैसे के, आप लोग इस पैसे बाय आउट करें। इन्होंने अपनी तरफ से तो ये कंपनी का ये लोगो लगा के इसके ऊपर भेजा है इन्होंने, और अपनी तरफ से इन्होंने एक प्रिंटेड पेपर सा होता है जो अपने तरफ से, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल काम करते हैं, ये इन्होंने इस तरह का पेज दिए। पेज की हालत भी देखें, फटाफटा पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाल निकूल के इन्होंने ये पेज प्रिंट आउट करके दिया है कि जी हम तो बड़ा अच्छा कोई काम, हमारा तो पूरा ऐसा कंपनी चल रही है, ऐसा काम चल रहा है। तो इन लोगों पर आप लोगों को चाहिए कि इन लोगों को रिपोर्ट करें, इस पेज को तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के फटे फूटे कपड़े देते हैं इन लोगों को तो क्या कहते हैं ब्लॉक कर देना चाहिए आप लोगों को। बाकी मैं आप लोगों को इनकी चिट चैट्स भी दिखाती हूँ जो मैंने इन लोगों से की थी। ये मैंने अभी बाय नहीं किया है, ये मैंने कुछ हो गया है, 1 मंथ हो गया इसको बाय किए हुए, और एक वीडियो मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई है। ये मैं आप लोगों की इसकी वो भी बता देती हूँ कि इसकी चैट्स वगैरह में मेरे साथ इन्होंने किस तरह बात की थी। ये देखें,
मैंने इन लोगों को कहा कि जी आप लोगों से मैंने इस तरह के ऑर्डर किया था और डिलीवर आप लोगों ने मुझे इस तरह की हालत में भेजा है। इन लोगों ने पहले तो मेरा, मैंने इनको कॉल्स वगैरह की, इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने इनको दोबारा दूसरे नंबर से इनको कॉन्टैक्ट किया, इन लोगों को मैसेजेस वगैरह किए, इन लोगों ने मेरे इस मैसेजेस का फिर रिप्लाई देना बंद कर दिया था। फिर मैंने इनको कहा कि जी आप लोग क्या कहते हैं मेरा कॉल नहीं उठा रहे, ये मैंने दूसरे नंबर से मैंने इन लोगों को क्या कहते हैं मैसेजेस किए थे, इनको इंस्टाग्राम पे, इनके अपने पेज पे लेमन टार्ट के पेज पे मैंने इनको किए थे मैसेजेस। उन्होंने कहा था जी कि आप काइंडली शेयर करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, किस नाम से ऑर्डर किया है। ये इन्होंने फजूल में बातें जिन्होंने बनानी शुरू कर दी। ये मैंने इन लोगों को अपनी इसका इनका यही जो पेज सोकर पेज जो इतना गंद से अपने आप में इन्होंने प्रोफेशनली वे में जो दिया था, इनकी पिक्चर मैंने इनको यहाँ शेयर की। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा जी अब हमें क्या है वो आप लाइव फ़ोटो पिक्चर दिखा सकते हैं कि जी जो कपड़े की हालत हुई है, किस तरह आपको डिलीवर हुई है, क्या चीज़ है, आप उसकी हमें वो भी दिखाएं। मैंने कहा अगर आप लोगों ने एक्सचेंज करना है, अगर आप लोगों की इतनी अच्छी पॉलिसी होती तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़े जी लाइव दिखा दें। जिन्होंने क्या कहते हैं एक्सक्यूज़ बनाते होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। एनीवे मैंने इनको वो भी बना के दिखाई, ये देखें ये मैंने इनको पिक्चर्स दिखाई कि जी इतने बड़े होल्स हुए हैं और इस तरह पूरा इनको शो किया, इस तरह इनको मैंने पूरा शो किया, ये देखें। और नीचे सारी उनके साथ चिट चैट्स की कि ये देखें जी ये क्या है। उन्होंने कहा जी फिर आप ऐसा करें कि अगर आपको इसके रिप्लेसमेंट चाहिए फिर कई कुछ दिनों बाद ये एक एक मैसेज भेजें जी अगर आपको इसमें चीज़ का रिप्लेसमेंट चाहिए आप हमें वो बता दें। फिर मैंने अपने पैसों के लिए मैंने उनको कहा चले यार ठीक है अगर आप इस चीज़ की भी है तो आप ये करके देख लें। मैंने उनको बताया जी कुछ ये चीज़ ऑर्डर में कर लेती हूँ इसकी जगह ये रिप्लेस कर दें अगर आप, तो ये भी उनको मैंने लिख के भेजा। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, ये लोग इन लोगों ने फ्रॉड किया मेरे साथ जी। कोई नहीं हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं कह के उसके बाद इन्होंने ये मुझे ब्लॉक कर दिया। तो काइंडली आप लोग भी इन पैसे ना शॉपिंग करें, अपने पैसों को ना यहाँ से ज़ाया करें। इलेवन आर्ट का रिव्यू तो क्या कहते हैं आप लोगों के लिए बनाया मैंने, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया हुआ था, कुछ ई मेल आईडीज़ आई हुई थी कि जी लेमन आर्ट से भी हमें बताएं। तो लेमन आर्ट का भी मेरे साथ तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, इनका ये आप लोगों को दिखाई दिया है। अगर आप लोगों को भी अपने पैसे ज़ाया करने हैं, फटे फूटे कपड़े अगर आप लोगों को पसंद हैं तो फिर तो आप इनसे ले सकते हैं, वरना फिर क्या कहते हैं इस तरह के आपको फटे फूटे हालत में मिलेंगे कपड़े और इस तरह कोई गंदी सी स्टफ़ में मिलेंगे बेकार, जो कोई पसंद ना करे, कोई फेंकने वाला कोई लंडे का स्टफ़ टाइप कोई कपड़ा हो। बटन भी आप इनको देख लो, मैं आपको दिखे आपको पिक्चर भी दिखाई है मैंने कि क्या कहते हैं मैंने कौन सी क्या चीज़ ऑर्डर की थी और मुझे रिसीव किया हुई। तो काइंडली आप लोग भी अपने पैसों को सेव करें और इन पेजेस से अब क्या कहते हैं वो मुहतात रहें, इन पेजेस को भी आप लोग क्या कहते हैं रिपोर्ट करें और ये चीज़ मैंने इनसे ऑर्डर की हुई थी और ये इन्होंने मुझे भेजी है, ये चीज़ इन्होंने मुझे भेजी है और ये क्या कहते हैं ये चीज़ दिखाई है। तो अगर आप लोग अपने पैसे नहीं चाहते हैं अगर स्पॉइल करना इन जैसे पेजेस पे तो काइंडली इनको रिपोर्ट करें, थैंक यू। आप बाकी क्या कहते हैं और वीडियोज़ वगैरह के ऊपर किसी और चीज़ के बारे में अगर आप लोगों ने मुझसे पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा या मेरी ईमेल आईडी होती है आप मुझे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे वहाँ से भी पूछ सकते हो। बाकी और वीडियोज़ वगैरह मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए हो। बात इस चीज़ की नहीं होती है कि पैसों के नुकसान की, बात ये होती है कि चलो अगर एक का नुकसान हुआ तो बाकियों के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए ज़रूरी, बाकियों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो मैंने ये आप लोगों के लिए बनाई है, स्पेशल आप लोगों के कहने पे बनाई है वीडियो। मेरे पास ये हो गया हुआ था स्कैंडल, मैंने लगाई लगाने में बस लेट की क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को भी इस चीज़ की वो क्यूरियसिटी थी कि जी भाई आप हमें इसका बताएं। इसका आप लोगों के कहने पे मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो बाकी अगर आपको कुछ और मुझसे पूछना हो या अगर मेरी वीडियो में कुछ और चीज़ आप लोग चाहे मोटिवेशनल या कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलना, मेरे पेज को लाइक करना मत, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और इनके स्कैंडल को और इनके पेज को काइंडली रिपोर्ट करें ताकि ये ऐसी चीज़ें बना होनी हमारे साथ बंद हो जाएँ, थैंक यू, ताकि ये किसी और के साथ हो ना हो। बाकी थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ है मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।